हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको अपना डर्ट वाल और इसका दिखा देता हूँ, फ्लाई रिटर्न वाल का। अभी इस साइड से तो खाली सेटअप हुआ है, इस साइड से बाइंडिंग भी नहीं हुई है, खाली स्टील प्लेस करके रखा है और अभी इसमें कवर भी नहीं लगाए ना इसको टाई किया गया है, देख सकते हो आप। देखो इनर साइड से मेरा 16 का बार है और आउटर साइड से मेरा 12 का बार है और इनर साइड से मेरा 16 का बार है। ये है 16 और ये भी है 16 और ये आउटर साइड से दोनों भी है 12 12 के। ये है मेरी फ्लाई रिटर्न वॉल 4 मीटर 330 की और ये है मेरी डर्ट वॉल के डर्ट वॉल और इसमें ऊपर है ब्रैकेट, इसके ऊपर रेस्ट होगा मेरा एप्रो स्लैब, उसको भी देख सकते हो आप एक लाइन में कैसे ब्रैकेट बंधे हुए हैं। और इसकी शटरिंग हो चुकी है अभी डर्ट वॉल की। इसका प्लेसिंग का अरेंजमेंट देखा जाए तो मैं आपको कैसे स्टील बनाया था हमने ये वाला बार उठाना, ये वाला, ये 16 का ऊपर करना, बस छोड़ना पकड़ने से। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा डर्ट वॉल के इनर साइड में रहेगा और ये मेरा आउटर साइड में रहेगा और इसका ये एंकरेज लेंथ है, ये टोटल इस तरफ से ये डर्ट वॉल में फिक्स हो चुका है। इसको तो देख लिया आपने, इस तरफ से भी ये शटरिंग हो रही है, 200 की स्पेसिंग है इसकी। अब इसमें भी कवर लगाना बाकी है, अभी काम बाकी है इसमें, तो इसको कंप्लीट हो जाऊंगा तो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा इसका भी। और ये ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट की पोजीशन देखो, ब्रैकेट पूरे एक लाइन में और ऊपर चलते हैं तो ऊपर हमारा चालू हो रहा है क्रैश बैरियर। इस तरफ से हमने स्टार्टर भर दिया है और इस तरफ से भी हमने स्टार्टर भर दिया है क्रैश बैरियर का। तो क्रैश बैरियर के प्लेटें भी हमने अभी फैब्रिकेटर से बनवाई है, कंपनी से आई है, मतलब सीधा उनको हमने मेजरमेंट दे दिया था तो उसी हिसाब से ये बन के आई है। तो एक्स्ट्रा कुछ हमने इसमें सपोर्ट दिया है, इसमें एंगल पट्टी लगा के। तो ये हमारी क्रैश बैरियर की प्लेट 1153 हिट की और ये बांध दिया हमने क्रैश बैरियर का रेनफोर्समेंट, आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये है मेरा 16 का बार और ये है 10 का डिस्ट्रीब्यूशन बार और आउटर साइड से है मेरा 12 का। देखो इसकी लाइन भी दिखाएंगे मैं आपको। तो ये हो गया मेरे क्रैश बैरियर और इस तरफ हमारा अभी इसका गटर इरेक्शन का काम करने वाले हम फर्स्ट पैन पे, तो इसका मिट्टी कटवानी पड़ेगी। अभी ये रोड वालों ने भर तो दिया, अभी हमें हटवानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा भर दिया था उन्होंने एप इसके लिए स्टोन पिचिंग के लिए। तो इस तरफ का भी मेरा स्टील लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे पेडस्टल भी कास्ट हो चुके हैं, बारिश भी अच्छी खासी हो गई अभी। कम से कम 2 दिन तो जाएगा मेरे को ये मिट्टी काटने में, क्योंकि इसको मेरे को शाफ्ट के लाइन तक जाना है, अभी शाफ्ट के लाइन तक मैं इसको पहुंचना पड़ेगा। तो मेरा गटर इरेक्शन के लिए एक क्रेन वहाँ खड़ी होगी तो एक क्रेन इस साइड में खड़ी होगी, समझ गए आप। तो गटर इरेक्शन अभी 3 दिन के बाद चालू होने वाला है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और ये आगे चल रहा है हमारा 5th स्लैब। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइज़।